नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री ट्रेन के नीचे आ गया, जिसे मौके पर पहुंची आरपीएफ जीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं ट्रेन के नीचे आने से युवक को हल्की चोटें आई हैं। बता दें, 25 वर्षीय विजय साल में आगरा से खंडवा जा रहा था। ये पूरा मामला आगरा कैंट स्टेशन का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। यहां एसबीएम पब्लिक स्कूल चिरूहटा में 3 जून से कार्यकर्ता विकास वर्ग में बतौर संघ प्रमुख वो हिस्सा ले रहे हैं। कार्यकर्ता विकास वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के वो स्वयंसेवक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिन पर संघ का कोई न कोई दायित्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कानपुर, गोरक्ष, अवध व काशी प्रांत आता है। इस विकास वर्ग में 280 लोग शिरकत कर रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के पदाधिकारियों को संगठन की आगामी कार्य योजनाओं से अवगत कराएंगे और उसके संचालन की रणनीति भी बताएंगे। संघ संचालक का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों की सक्रियता के जरिए संगठन की मजबूती होगी। मौजूदा समय में मोहन भागवत के गोरखपुर प्रवास के राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर गोंडा से है। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी छपिया धाम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने स्वामी नारायण छपिया के दरबार में मत्था टेका, मखौटा धाम की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि जिले के प्राचीन मंदिरों में से भगवान स्वामी नारायण छपिया मंदिर एक है। ये पौराणिक मंदिर गुजरात के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कानपुर नगर में नाला सफाई में लापरवाही को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने बैठक बुलाई और बैठक के दौरान नाराजगी जताई। जोन 3 अधिशासी अभियंता नानकचंद ने मार्च की रिपोर्ट दिखाई, मेयर ने फाइल फेंक दी। साथ ही अभियंताओं को कड़ी फटकार भी लगाई। अभियंता ने झूठी रिपोर्ट दी तो उन्होंने फाइल गुस्साकर फेंक दी। कहा कि इस बार नाला भरा तो उसी में डूबोगे। वहीं प्रमिला पांडे ने कहा कि हम इस बार बारिश के पहले स्वास्थ्य विभाग, जलकल विभाग, नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी जारी कर चुके हैं कि इस बार समय से नालों की सफाई प्रॉपर रूप से हो और शहर को व्यवस्थित किया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान आतंकवाद पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालु की बस पर क्रूर पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, जो पूरे देश को स्तंभ करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और आक्रोश में है। वहीं बजरंग दल इस कायराना कृत्य की निंदा की और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार निर्णय ले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रांत के तत्वाधान में जिहादी आतंकवादों का पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन स्थानीय डीसीपी पूर्व के माध्यम से दिया गया। इस दौरान उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालु की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। संपूर्ण देशवासियों को स्तंभ करने वाली ये घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और आक्रोश में है। आज कानपुर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जिस प्रकार से 9 जून को हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के ऊपर इन जिहादी मानसिकता के और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे कि ड्राइवर के साथ साथ मासूम बच्चे और लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी भी लोग आपात इमरजेंसी में है, कुछ लोग हालत और ज़्यादा गंभीर है। तो हम लोग आज की आगे की आज हम लोग इसके संबंध में आक्रोश प्रदर्शन के साथ साथ राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी देंगे और इस ज्ञापन में हम लोगों की यह मांग है कि ये जिस प्रकार से हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल है उनमें दर्शन करने जाने वालों को टारगेट करके एक लक्ष्य पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक उन पे हमला हो रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कानपुर की सेंट्रल जोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नजीराबाद थाने की पुलिस ने वाहन चोरी व लूट करने वाले एक गिरोह को धर दबोचा।
जिसने पास से आधा दर्जन चोरी के वाहन पर लूटी हुई रकम बरामद की गई। इस बारे में एक प्रेस वार्ता कर डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने बताया कि थाना नजीराबाद पुलिस को एक पीड़ित मानू साहू द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके घर के सामने से एक अपाची गाड़ी चोरी हो गई, जिसके बारे में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत करीब 150 कैमरे खंगालने के बाद 3 शातिर वाहन चोर व लुटेरे आकाश सोनवानी, सूरज कश्यप शाहिल, जो कि तीनों आरोपी कानपुर के रावतपुर और काकादेव के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 लोडर और 3,000 रुपए नकद बरामद कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाहन चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओ नजीराबाद की टीम ने सफलता अर्जित की है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल व 1 लोडर बरामद किया गया है। कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना भी कारित की गई थी, जिसमें जो है चेन को बेच दिया था, उससे संबंधित धनराशि भी बरामद हुई है। इन तीनों अभियुक्तों में 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त हुआ है और 1 अभियुक्त का भी आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट। अगली खबर आगरा से है। थाना कमलानगर क्षेत्र में 2 युवकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। दरअसल वहां पर युवकों के 2 गुटों में झगड़ा हो रहा था कि बीच बचाव करने पहुंचे पीआरवी के सिपाहियों के साथ भी आरोपी युवकों ने मारपीट कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने बामुश्किल आरोपी युवकों को काबू में किया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। ये पूरी घटना लाइव कैमरे में कैद हो गई। जम्मू कश्मीर में 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी एक बस माता वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी धाम जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के श्रद्धालु भी शामिल हैं। इस घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के पटेल तिराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तानी पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशय की ज्योति जगी है, लेकिन आतंकवादियों द्वारा हिंदू की हत्या करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इन आतंकियों पर कठोर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए। लेकिन हम पूरे देश को और भारत की सरकार को भी ये संदेश देते हैं कि भारत का पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान जनित, पाकिस्तान पोषित इस आतंकवाद को जड़ से मिटाइए। हम सब आपके साथ पूरे मनोबल, पूरे सामर्थ्य के साथ आप खड़े हैं। बजरंग दल का एक से एक बजरंगी पूर्ण प्रशिक्षित है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, और उस परिस्थिति के लिए हमारा बजरंगी सदैव सीना ताने अपने आपके साथ खड़ा है। ये प्रदर्शन बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है। जम्बू हादसे में मारे गए 2 श्रद्धालु बच्चों का पार्थिव शरीर देर रात्रि जिले में पहुंचा। इस दौरान स्टेशन पर बलरामपुर के सदर एसडीएम समेत आला प्रशासन मौजूद रहा। शव पहुंचते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया। दोनों बच्चों के शवों से जिले भर में दुखद माहौल है। मृतकों के साथ 6 घायलों को भी जिले में लाकर संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में जम्मू से लाए गए सभी 6 घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। वहीं मृतकों के गोंडा में पहुंचने की सूचना पर आनन फानन में गोंडा रेलवे स्टेशन सदर विधायक पलटूराम पहुंचे। डीएम की सक्रियता से मृतक के परिजनों के खाते में जम्मू कश्मीर सरकार से प्राप्त 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंची है। सभी 12 घायलों को 50-50 हज़ार रुपए का चेक दिया गया है। मृतक श्रद्धालु बच्चों की पुण्य आत्मा की शांति के लिए जिला प्रशासन ने सभी जनपद वासियों से 2 मिनट का मौन रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी के 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुमारी रूबी और मिस्टर अनुराग, इन लोगों का पार्थिव शरीर आज जनपद जम्मू से जनपद गोंडा में आ गया था देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से जनपद बलरामपुर के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए 2 एसडीएम्स और हमारे गोंडा और बलरामपुर के श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गए थे, जहाँ आतंकवादियों के कायराना हमले के कारण
लगभग 8 लोग घायल हैं और 2 लोगों के निधन की बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। आज गोंडा रेलवे स्टेशन पर हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का मुस्लिम समाज के लड़के से शादी करने के मामले को लेकर बहिष्कार किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने ऐलान किया कि आज के बाद विश्व हिंदू परिषद सोनाक्षी सिन्हा की कोई मूवी नहीं देखेगा। जिन प्रोडक्ट्स का वो प्रचार करेंगे उन प्रोडक्ट्स को भी वो नहीं खरीदेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की सोनाक्षी सिन्हा जो इकबाल खान से शादी कर रही है, आज के बाद राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत का एक एक कार्यकर्ता शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की सोनाक्षी सिन्हा की ना तो मूवी देखेगा और जिन प्रोडक्टों का वो प्रचार करेंगे ना उन प्रोडक्टों को खरीदेंगे और जिन नाटकों में वो काम करेंगे ना उन नाटकों को देखेंगे। और मैं 80 करोड़ हिंदुओं भाइयों से बहनों से आह्वान करता हूँ कि इसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरह से इसने हिंदुओं का बहिष्कार करा है, हिंदुओं को छोड़ के इसने एक इकबाल खान से शादी करी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है। बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में लाइट मेट्रो कॉरिडोर को लेकर बैठक की गई, जिसमें बरेली मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर खाका तैयार किया गया और जल्द ही इसे धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि बरेली में करीब 22 किलोमीटर चौकी चौराहा, अयूब खां चौराहा, कुतुब खाना, सब्जी मंडी, IVRI, नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन की परिधि में मेट्रो दौड़ेगी। ट्रेन प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। इसके पहले कॉरिडोर में 12 किलोमीटर और दूसरे कॉरिडोर में लगभग 9 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। बरेली मेट्रो कॉरिडोर की अंतिम रूप देने के लिए शहर के विभिन्न विभागों के अधिकारी कंसंट्रेट एजेंसी UMTC, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के समस्त अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जल्द ही बरेली वासियों का अपने शहर में मेट्रो के सफर का सपना पूरा होगा। आगरा में आचार संहिता हटने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सिटी जोन में बड़ी कार्रवाई की। DCP सिटी सूरज राय ने कार्य में लापरवाही, अनुचित लाभ लेने वाले 31 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। DCP सिटी सूरज राय ने पासपोर्ट सत्यापन में अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही, न्याय कार्य में अनुशासनहीनता व साइबर सेल के कार्यों में अनुशासनहीनता में 31 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। इन सभी को देर रात को निलंबित कर दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा पासपोर्ट सत्यापन में देरी व समय से वेरिफिकेशन न करने वाले 15 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 1.25 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के गंगापुल के पास से तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए तस्कर झारखंड से हेरोइन लाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार बदमाश बिहार के रहने वाले हैं और लंबे अरसे से मादक पदार्थों की तस्करी के घोर धंधे में लिप्त हैं। विगत कुछ समय से, जब से इलेक्शन खत्म हुए थे, ये गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं वो थोड़ा सक्रिय हुए हैं। इसी पे हमारी थाना जमनिया और स्वाट सर्वेलेंस टीम द्वारा जो निरंतर इस पे काम किया जा रहा है विगत वर्षों में, जब उसे डेवलप की गई तो कल उसी के क्रम में चेकिंग कर रहे थे गंगा पुल के पास जमनिया में, तो 2 संदिग्ध पकड़े गए जिनके पास से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है। काशीराम कॉलोनी में आवास दिलाने के नाम पर गरीब बेसहारा लोगों से अवैध धन उगाही का मामला सामने आया है। युवक ने लेखपाल का सहयोगी बताकर हजारों युवकों की अवैध धन उगाही की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला 500-500 के नोटों की गिनती करती दिख रही है। ये पूरा मामला नौगावा पकड़िया नगर पंचायत की ट्रांसपोर्ट काशीराम कॉलोनी का है। यूपी के पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय पुरैनिया रामगुलाव में विद्यालय के इंचार्ज मुकेश गंगवार की हरकतें देखकर आपको अध्यापक कम रद्दी वाले ज्यादा नजर आएंगे। जी हां, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अध्यापक मुकेश गंगवार के द्वारा बच्चों से पुरानी किताबें जमा करवाने के बाद ही नई किताबें बांटते हैं और पुरानी किताबें कबाड़ी वाले को बेचकर अपनी जेब का खर्चा निकाला जा रहा है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
वहीं ग्राम प्रधान हरीश कुमार का कहना है कि मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत भी की गई है, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी के सामने विगत दिनों स्कूटी सवार परिवार के साथ हुई लूट के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। डीसीपी पश्चिम विजय ढुल की टीम ने रोमांचक मुठभेड़ में अपराधी के पैर पर गोली मारकर उसे काबू में किया। बता दें बीते रविवार को कानपुर यूनिवर्सिटी के सामने लूट की वारदात हुई, जब एक व्यक्ति अपनी ससुराल से मैं पत्नी और दो बेटियों के साथ लौट रहे थे। बदमाशों ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर पूरे परिवार को गिरा दिया और फिर महिला की चैन और पर्स छीन कर फरार हो गए। इस वारदात में जमीन पर गिरने से महिला के सर और आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं। तभी से पुलिस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में लगे कैमरों से लुटेरे की छानबीन में जुट गई है। आखिरकार डीसीपी पश्चिम विजय ढुल की टीम को सफलता मिली और अपराधियों को पकड़ लिया गया। हालांकि अपराधियों ने पकड़ में आने से पहले पुलिस टीम पर फायर भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने एक अपराधी मुकेश निषाद के पैर पर गोली मारकर उसे धर दबोचा। मुकेश का एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हो गया है। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी दो बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार दो अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है। विगत दिनों वैष्णो देवी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर कातिलाना हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में सिपाहियों ने लहरावीर स्थित आजाद पार्क में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर अत्यंत दुखद है। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के लिए जा रही उप के तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमले भारत सरकार से सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि घटना में मारे गए शवों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने, कायराना हमले में मृत परिजनों को सरकार 20-20 लाख और इस घटना में घायल लोगों को 50-50 लाख की आर्थिक सहयोग के साथ सरकारी नौकरी अविलंब प्रदान करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर एटा से है। जनपद एटा पुलिस ने बीती रात एक मुठभेड़ के दौरान 28 संगीन वारदात करने वाले आरोपी रफी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 13 जून को थाना अवागढ़ पुलिस ने किला बाईपास रोड पर ट्यूबवेल के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सकरोली पर पंजीकृत मुकदमे में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को पशु चोरी की और एक और घटना को अंजाम देने की योजना बनाते समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने अभियुक्त को चिकित्सालय भिजवाते हुए प्रकरण में थाना स्तर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है तो पूरा क्या मामला है और किस मामले में वांछित था, क्या पूरा घटना है? ये रफीक नाम का बदमाश है जो कासगंज का रहने वाला है। इसको 25,000 रुपये का इनाम है और बहुत ही शातिर अपराधी है ये। इस पर 396 IPC गैंगस्टर, लूट, डकैती, पशु चोरी, गोबध, कोई धारा बची नहीं है जो इसने क्राइम न किया। 2.5 दर्जन से ऊपर अपराध किया है इसने और हमारे यहाँ से ये पशु तस्करी में वांछित चल रहा था। आज मुठभेड़ में घायल। श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र के डिकरा गांव में एक विवाहित महिला अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान गंवा दी। सूचना पर पुलिस बल के साथ थाना स्थल पर थाना प्रभारी गिलोला अश्विनी दुबे व CO इकोना पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शक से जुटाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने पंचनामा भर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में बीते 9 जून को शिवखोड़ी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु की बस पर आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और गोंडा एक ही परिवार के 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज जम्मू के नारायण व मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसके बाद आज बलरामपुर से मारे गए अनुराग और रूबी दोनों का शव व घायल जम्मू से ट्रेन द्वारा
गोंडा पहुंचा। मृतक दोनों के शवों को शव वाहन व सभी घायलों को प्रशासन के अधिकारी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में घायल नीलम गुप्ता जब गोंडा पहुंची तो मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लोग शिवखोड़ी से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बस में कम से कम 45 से 50 लोग सवार थे। हम सब बातें करते हुए माता दी का जयकारा लगाते हुए वापस लौट रहे थे। इसी बीच अचानक गोलियां चलने लगी, आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुक गए। पता चला कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। गोली चलती रही लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। आतंकवादियों ने बस ड्राइवर को गोली मार दी जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हम लोग बस की खिड़की से बाहर निकले। 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस दौरान एक ही आतंकवादी को देखा है। हमारे गोंडा और बलरामपुर के श्रद्धालु मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गए थे, जहां आतंकवादियों के कायराना हमले के कारण लगभग 8 लोग घायल हैं और 2 लोगों के निधन की बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। आज गोंडा रेलवे स्टेशन पर हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा दोनों शव को ट्रेन से लाया गया है। वही शव हम परिजनों को सौंप रहे हैं। यह घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कायराना है। आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से मासूमों की हत्या की गई है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत ही कम है। आगामी 14 जून से मुख्यालय पौड़ी के भूमयाल देव कांडोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में वैजवाड़ी गांव में सर्किट हाउस की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया। जानकारी देते हुए पूर्व सभासद यशोदा नेगी ने बताया कि आगामी 14 जून से 16 जून तक आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पूर्व मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। उन्होंने इस मौके पर भंडारा ग्रहण करने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने के बाद पत्तल दोने इत्यादि मंदिर समिति द्वारा बनाए गए निश्चित स्थल पर डालने की अपील की, ताकि वार्षिक पूजन के बाद मंदिर परिसर में गंदगी ना पसरी हुई दिखाई दे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है। जोशीमठ का नाम पौराणिक ज्योतिर्मठ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सहमति प्रदान किए जाने पर क्षेत्र के धर्मगुरुओं, जन प्रतिनिधियों सहित आम लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। ज्योतिर्मठ परिसर में पहुंचकर भक्तों ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण करते हुए अपनी खुशी भी जताई। ज्योतिष पीठ वद्रिकाश्रम स्थित प्राचीन गद्य स्थल से, जहां शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अब ये ज्योतिर्मठ नाम इस पौराणिक सनातन धर्म नगरी के धार्मिक आस्था और पौराणिक स्वरूप में आ गया है, जिसके लिए सीएम धामी को साधुवाद है। वहीं ज्योतिर्मठ के ही सनातनी धर्मगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी ज्योतिर्मठ नाम को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा अब जल्द अमल में लाई जाएगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। उन्होंने इसके लिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम समाचार सुन रहे हैं कि जोशीमठ को जो है, जो ज्योतिर्मठ प्राचीन नाम था, वो पुनः कर दिया गया है। इसके लिए पूरी सरकार को हम बधाई देते हैं और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के प्रयासों से, और पिछले वर्ष जो है मुझे पास आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये नगरी, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ये पौराणिक नाम इसका ज्योतिर्मठी रखा गया था, लेकिन आज ये पुनः इसका फिर से ज्योतिर्मठ नाम कर दिया गया है जोशीमठ से। तो इसके लिए ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ने कई बार प्रयास किए, समय समय पर प्रयास करते रहे, और फिर उसके बाद जो वर्तमान शंकराचार्य हमारे ज्योतिर्मठ के पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ने आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत डीएवी स्कूल के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति डीएलएफ स्कूल की तरफ से आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और अपनी मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया,
तो पुलिस टीम को अपने पीछे आता देख भाग रहे बदमाश ने मोटरसाइकिल को तेजी से भगाने के कारण मोटरसाइकिल फिसल गई और पुलिस टीम को पीछे आते देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग कर रहा बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। थाना शालीमार गार्डन पुलिस एवं एक बाइक सवार अभियुक्त के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है एवं इससे पूछताछ करने पर इसने अपना नाम सलमान उर्फ मेहताब पुत्र नसीम बताया है। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि इसके ऊपर लूटपाट तथा अन्य जघन्य अपराधों के एनसीआर तथा आसपास के इलाकों में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई और इस हादसे में पति पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जल गए जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बेहटा हाजीपुर में इश्तियाक अली का 3 मंजिला मकान है, जिसमें देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से साजिद की पत्नी फरहीन, उसका 7 महीने का बेटा शीज, बहन नाजरा, बहनोई सैफ व भांजी इशरा की दर्दनाक मौत हो गई। साजिद की दूसरी बहन उजमा व उसका बेटा भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि पड़ोसियों में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग भयानक रूप ले चुकी थी और हादसे में 1 पुरुष, 2 महिला, 2 बच्चों समेत कुल 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। हालांकि देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया और 2 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये बेटा हाजीपुर पड़ता है, थाना लोनी बॉर्डर ग्रामीण जोन है। यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पर आग लगी और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुँचे। वहाँ पर 2 एक महिला और 1 बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे, उसमें से 5 लोगों को बरामद किया। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर बांदा से है। यूपी के बांदा में सुसाइड के मामले ने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ एक प्रेमी युवक ने प्रेमिका के कहने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के पास से 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया। दरअसल मामला बिसड़ा थाना इलाके बिलगांव का है, जहां गांव निवासी पारस गुप्ता ने शनिवार को बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। जानकारी होने पर बिसड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि मुझसे प्यार करते हो तो मर कर दिखाओ, तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। 6 पन्ने के सुसाइड नोट में युवक ने अपना दर्द बयां किया है। युवक ने सुसाइड में ये भी कहा कि जिस लड़की के लिए मैं जान दे रहा हूँ उसको छोड़ना मत। जानकारी के मुताबिक पारस का लगभग 3 महीने से रिश्तेदार में आने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब युवक की मौत के बाद से पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि अक्सर जो है खुदकुशी के मामले आम होते जा रहे हैं, लेकिन बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलगांव चौकी से एक मामला ऐसा सामने आया, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा मर कर दिखाओ तो जानू आखिर वो सच्चा प्रेम करता था अपनी प्रेमिका से, जिस वजह से उसने सुने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को होती है, परिजन तत्काल बिशंडा थाना अध्यक्ष को फोन करके जानकारी देते हैं। हालांकि जैसे ही इसकी घटना की जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस की पूरी टीम आकर के बिलगांव चौकी जाती है और उस 22 वर्षीय युवक का शव फंदे से उतार कर नीचे रखती है और इसके बाद उसका पंचनामा भरा जाता है और फिर पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा को होती है, तो लक्ष्मी निवास मिश्रा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले उस युवक के पास से बरामद 5 पेज का सुसाइड नोट उसको गंभीरता से पढ़ा जाता है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस प्रेमिका ने
प्रेमी को मौत के लिए कैसे उत्साया है। हालांकि प्रेमी भी चाह रहा था कि मैं प्रेमिका के लिए जान दे दूं, तो उसने जान तो दे दी, लेकिन जान जाते ही परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस का ये भी कहना है कि जिस प्रेमिका ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया है उस पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।